भारतीय जनता पार्टी के बेनीगंज स्थित क्षेत्रीय कार्यालय पर रविवार को महानगर के कार्यकर्ताओं की एक बैठक का आयोजन किया गया। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष लक्ष्मण आचार्य की अध्यक्षता में मंडल के पदाधिकारियों के चुनाव से संबंधित बैठक हुई। आगामी मंडल के चुनाव को लेकर बैठक की गई। आगामी 13 और 14 अक्टूबर को होने वाले मंडल के चुनाव को रणनीति बनाई गई। बैठक में बीजेपी के महानगर अध्यक्ष राहुल श्रीवास्तव, भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष एवं महानगर चुनाव के अधिकारी लक्ष्मण आचार्य सहित बड़ी संख्या में बीजेपी पदाधिकारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष एवं महानगर चुनाव के अधिकारी लक्ष्मण आचार्य ने कहा, अब मैं तो बहुत बधाई देना चाहता हूँ आप लोगों को, हमारे जो पहला चरण था बहुत ही कुशलता से आप सब लोगों के सहयोग से संपन्न हुआ। बताइए आप सब इस समय राजनीतिक क्षेत्र में, संगठन के क्षेत्र में उतरे हैं। माता महानगर के सह चुनाव अधिकारी अरिंदा के पूर्व विधायक चौधरी सुजन सिंह जी, महानगर के महामंत्री श्री ओम प्रकाश शर्मा जी, श्री रमेश गुप्ता जी, श्री अस्पतानंद साही जी, गोरखपुर जिले के पूर्व अध्यक्ष। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से एक संगठन का चुनाव चल रहा है और संगठन के चुनाव की दृष्टि से मेरा आना हुआ है। मैं अपने गोरखपुर महानगर के कार्यकर्ताओं को बहुत बधाई करता हूं। उन सब के सहयोग से यह हमारे जो 104 सेक्टर हैं महानगर में दो विधानसभाओं के, उसके 104 सेक्टर के 677 बूथ हैं और मुझे बहुत कहते समय गौरव हो रहा है। इन अपने कार्यकर्ताओं को मैं बहुत बधाई करता हूं कि हमारी इतनी अच्छी यह महानगर की हमारी इकाई है जिसने 677 में 677 बूथों का गठन हो चुका है और हमारे सभी बूथ समितियां तैयार हो गई हैं। हमारे पास कुल बूथ समिति जितने जिस प्रकार से गठित हुए हैं और वो सब के सब सभी अध्यक्ष हमारे सभी बूथों पर हो गए हैं और संगठन का काम सुचारू रूप से चला। अब हमारे मंडलों का चुनाव होने जा रहा है, उसकी तैयारी की दृष्टि से आज हम सभी बैठे हुए हैं।